आगरा में ग्लोब ऑल इंडिया 2022 सम्मेलन में आए योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर तंज कसा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसके साथ उन्होंने खुद को उद्यमशील बताया और कहा कि मैं राहुल गांधी नहीं रामदेव हूं। वहीं 2024 के चुनाव में पीएम मोदी तो मोदी साहब बनने वाले हैं। वहीं ताजमहल और तेजो महल विवाद पर बाबा रामदेव ने कहा कि वो राजनीति नहीं करना चाहते। वहीं ताजमहल देखने की बात पर उन्होंने कहा कि पहले एक बार देख लिया है, अब देखने नहीं जाना है। ताजमहल में भगवा पहनकर एंट्री विवाद पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवा और किसी सन्यासी का प्रवेश कहीं निषेध नहीं हो सकता, योगी राज्य में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उस विवाद का कोई और कारण रहा होगा। वहीं बाबा रामदेव ने अखिलेश यादव को अच्छा नेता बताया। सत्ता पर टिप्पणी करना एक अच्छे नेता का राजधर्म है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अच्छे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।